अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड और चिकन से बनाई हुई एक बहुत ही ज़बरदस्त सी स्नैक्स की रेसिपी, ब्रेड पार्सल की रेसिपी। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी होती है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, चैनल पर नए तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस मज़ेदार सी ब्रेड पार्सल को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल को गर्म कर लेंगे। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च को इसमें ऐड कर लेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें चिकन के पीसेस को ऐड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया था, बहुत ही बारीक इसको कट कर लिया है। तो इस चिकन के पीसेस को इसमें ऐड करके इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी अच्छे से सौटे कर लेंगे। और चिकन का कलर हल्का सा चेंज होने तक हम इसको भून लेंगे। तो देखिए चिकन का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब इसमें हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको, इसकी कच्ची स्मेल चली जाने तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे चिकन के साथ। तो 1 से 2 मिनट के बाद अब इसमें हम स्पाइसेस को ऐड कर लेंगे, जैसे कि 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर को ऐड कर लेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर को ऐड कर लेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको ढककर पका लेंगे। बिना पानी के हम इसको अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए 5 मिनट के बाद चिकन अच्छे से टेंडर हो गया है। तो एक बार हम इसको मिला लेंगे। तो अब इसमें हम सॉसेस को ऐड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून हम इसमें टमाटो केचप को ऐड कर लेंगे और 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर शेजवान सॉस को ऐड कर लिया है। तो अब इन सॉसेस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो अपने मनपसंद का कोई भी सॉस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सॉसेस को ऐड करने के 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर की स्लरी को ऐड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर को 1 चम्मच पानी में ऐड करके इसको अच्छे से घोल करके इसमें ऐड कर लेंगे। तो भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम एक ब्रेड के स्लाइसेस को लेंगे, तो इसके चारों तरफ के हम एजेस को कट कर लेंगे। तो इसको इस तरह से हम बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। तो बहुत ही आहिस्ता से बेल कर हम इसको फ्लैट कर लेंगे और इसके ऊपर हम जो चिकन को इस तरह से ऐड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर ग्लू के तौर पर मैदे का एक घोल बनाया हुआ है। तो इसको ब्रेड के चारों तरफ हम इसको इस तरह से लगा लेंगे, ये बहुत ही अच्छे तरीके से चिपक जाता है। तो इस तरह से इस ब्रेड को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए ब्रेड पार्सल हमारा बनकर तैयार है। तो इसी तरह से सारे ब्रेड के पार्सल्स को बनाकर हम रख लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर सारे ब्रेड के पार्सल्स को बनाकर रख लिए हैं। तो अब इसकी हम कोटिंग को बना लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है। जो ब्रेड के एजेस को हमने रिमूव कर लिया था, उसी से हमने यहाँ पर ब्रेड के ब्रेड क्रम को बना लिया है। तो उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर एक बॉल में एक अंडे को फेंट लेंगे और जायके के मुताबिक हम इसमें नमक को ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून। तो हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर को ऐड कर लिया है और इसी के साथ साथ 1/4 कप हम इसमें दूध को ऐड कर लेंगे। दूध से बहुत ही अच्छा बाइंडिंग आ जाता है इसमें, तो इसको अच्छे से फेंट लेंगे। तो अंडे को अच्छे से फेंट लेने के बाद हम इसमें एक चिकन पार्सल को ऐड डालकर इसको अच्छे से डिप कर लेंगे और इसके बाद हम ब्रेड क्रम से इसको अच्छे से कोट कर लेंगे चारों तरफ से। तो इसी तरह से हमारा चिकन ब्रेड पार्सल बनकर तैयार है। तो सारे ब्रेड पार्सल को हम इसी तरह से कोटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सारे चिकन ब्रेड पार्सल को अच्छे से कोटिंग करके रख लिया है। आप अगर आप इसे चाहे तो स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी आपको खाने का मन करे तब इसे फ्राई करके आप खा सकते हैं। तो इसके लिए हम इसमें पैकेट में या तो फिर कंटेनर में इसे डालकर आप इसे 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अब एक एक करके हम चिकन पार्सल को इसमें डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। तो इस टाइम हाई टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेना है। तो 1 से 2 मिनट के बाद हम इसको पलटा लेंगे। तो बहुत देर इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि चिकन पहले से भी अच्छे से पका हुआ है। तो सिर्फ हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लिया है। तो अब इनका कलर चेंज हो गया है, तो अब इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी बैच में भी बाकी के बचे हुए पार्सल्स को फ्राई कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर बाकी के सारे पार्सल्स को फ्राई कर लिए हैं। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही गर्मा गर्म चिकन पार्सल्स बनकर तैयार हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही कुरकुरे बने हैं।
तो आप इस रेसिपी को एक बार से ज़रूर ट्राई करें। और साथ में हमने टमाटो केचप से इसे सर्व किया है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब ये पार्सल्स होते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार से ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको भी। तो इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, कमेंट करें। फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।